आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और भाई यह इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है भाई पहला टॉपिक हमारा पूरा वर्ग पर आधारित था भाई वर्ग क्या होता है और वर्ग करने की कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक होती हैं यह हमने इसके पहले पार्ट में पढ़ा था लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहां से उसे आप देख सकते हो भाई इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल के बारे में अब वर्गमूल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं यह हमने अपनी स्क्रीन की दाई तरफ लिखा हुआ है अब हम सबसे पहले भाई जानेंगे कि वर्गमूल होता क्या है भाई वर्गमूल जो होता है वह जस्ट वर्ग का उल्टा होता है जैसे भाई मान लो हमारे पास कोई संख्या है छे और अगर हम भाई छे का वर्ग कर दें तो क्या आ जाएगा छत्तीस अब भाई छे का वर्ग हो गया छत्तीस अगर हम छत्तीस का वर्गमूल निकालें भाई वर्गमूल का निशान कुछ इस प्रकार से होता है तो भाई छत्तीस का वर्गमूल आ जाएगा छ अर्थात भाई छ का वर्ग होता है छत्तीस तो छत्तीस का वर्गमूल हो गया छ आप भाई अगर इसी प्रकार देखें तो पांच का वर्ग होता है पच्चीस तो भाई पच्चीस का वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई पच्चीस का वर्गमूल हो जाएगा पांच अर्थात भाई जो वर्गमूल है या वर्ग की जस्ट उल्टा प्रक्रिया है अब भाई यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वर्गमूल के आधार पर भाई संख्याएं दो प्रकार की होती हैं आप भाई कौन कौन सी जैसे भाई अगर हम संख्याएं लें एक चार नौ सोलह और यहाँ भाई पच्चीस और यहाँ छत्तीस तो भाई अगर हम एक का वर्गमूल निकालेंगे तो भाई आएगा एक अगर हम चार का निकालेंगे तो आएगा दो इसी प्रकार नौ का आएगा तीन सोलह का आएगा चार भाई पच्चीस का वर्गमूल होता है पाँच और भाई छत्तीस का वर्गमूल होता है छ अर्थात जब हमने एक का वर्गमूल निकाला तो भाई उसका मान एक आया चार का निकाला तो भाई दो आया लेकिन भाई एक और चार के बीच में भी दो संख्याएं होती हैं दो और तीन इसी प्रकार भाई चार और नौ के बीच में भी संख्याएं होती हैं पाँच छ सात आठ अब भाई ये संख्याएं किस प्रकार की हैं भाई जो ये संख्याएं हैं एक चार नौ सोलह पच्चीस छत्तीस जिनके हम वर्गमूल निकालते हैं तो भाई वर्गमूल एक पूर्णांक आते हैं तो भाई इन्हें कहते हैं हम पूर्ण वर्ग संख्याएं और भाई जो ये संख्याएं हैं अगर हम भाई दो का रूट निकालेंगे तो भाई इसका मान एक पूर्णांक नहीं होगा भाई इसका मान आएगा दशमलव में अर्थात यह पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है तो भाई इस वाले पार्ट में हम केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे या भाई हम अगले पार्ट में देखेंगे अब हम भाई यहां पढ़ने वाले हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं की कुछ विशेषताएं भाई पहली विशेषता है यदि किसी संख्या के इकाई का अंक जो है वह दो तीन सात आठ है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी अर्थात भाई अगर कोई गिनती लिखी हुई है और उसके अंतिम अंक दो है तीन है सात है या आठ है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी अगर भाई कोई गिनती लिखी हो और उसके अंतिम दोनों अंक विषम हो तो वह संख्या भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी और भाई अंतिम विशेषता है कि संख्या के अंत में अगर शून्यों की संख्या विषम है तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी अब भाई यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है लिखा है शून्यों की संख्या विषम है तो वह संख्या वर्ग नहीं होगी तो भाई इसका यह मतलब नहीं है कि अगर सम संख्या है तो वह जरूर जरूर पूर्ण वर्ग संख्या हो भाई सम में भी गारंटी नहीं है पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है लेकिन भाई अगर विषम है तो भाई गारंटी है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी अब भाई उन्हीं विशेषताओं पर आधारित हमने कुछ सवाल लिखे हुए हैं कह रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है अब भाई हमारे पास चार ऑप्शन है अब भाई इन चारों ऑप्शन को आप गौर से देखिए भाई यहां इकाई का अंक दो है और भाई अगर इकाई के अंक में दो हो तीन हो सात हो आठ हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है अर्थात भाई यह वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी अब भाई अगले सवाल में आप गौर कीजिए यहां लिखे एक हजार चौबीस पंद्रह सौ इक्कीस एक हजार चार सौ चौवालीस और यहां आठ सौ तैंतीस अब भाई यहां आठ पे आप ध्यान दीजिए यहां अंतिम दोनों अंक विषम है अर्थात यह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी इसी प्रकार भाई अंतिम प्रश्न है अब देखिए भाई यहां लिखा है सौ यहां तीन सौ यहां नौ सौ और यहां एक हजार अब भाई यहां दो शून्य है यहां पर भी दो शून्य है यहां पर भी दो शून्य है और भाई यहां पर तीन शून्य है विषम बार शून्य है तो भाई यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी अब भाई यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जरूरी नहीं है कि भाई जहां पर दो शून्य हो वह संख्या पूर्ण वर्ग ही हो भाई जरूरी नहीं है पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है जैसे कि तीन सौ भाई यहां दो शून्य लगे हुए हैं फिर भी यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो अगर भाई आप इन विशेषताओं का ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से पहचान पाएंगे कि भाई कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है अब भाई हमारा अगला टॉपिक है वर्गमूल में अंकों की संख्या अगर भाई कोई संख्या लिखी हो और कभी कभी हमसे पूछता है कि भाई इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे तो भाई यहाँ पर दो तरीके हैं अगर संख्या में अंकों की संख्या सम हो तो भाई वर्गमूल में में अंकों की संख्या होती है एन अपॉन टू भाई दो से भाग कर दो अगर अंकों की संख्या विषम हो तो भाई होता है एन प्लस वन अपॉन टू अर्थात एक जोड़कर कर दो से भाग कर दो अब भाई इन दोनों सूत्रों के अलावा हमारे पास एक और तरीका है जो कि बड़ा सिंपल है अब जैसे भाई यहाँ लिखा हुआ है कि निम्न संख्याओं के वर्गमूल में कितने अंक होंगे अब भाई यहाँ पर कोई सूत्र नहीं लगाना है हमें करना क्या है कि भाई इकाई की तरफ से आपको ना जोड़े बनाने हैं जैसे भाई यहाँ पर अब यहाँ दो जोड़े बन गए अर्थात भाई इसके वर्गमूल में दो अंक होंगे अब भाई यहाँ आ जाओ इकाई की तरफ से हमें जोड़े बनाने हैं और भाई अगर लास्ट में कोई संख्या अकेली है तो उसका अकेला जोड़ा मान लिया जाएगा अब भाई यहाँ पर एक दो तीन जोड़े हो गए अर्थात भाई वर्गमूल में तीन अंक होंगे इसी प्रकार भाई यहाँ पे एक दो तीन तीन जोड़े बन गए तो भाई यहाँ पर भी वर्गमूल में तीन ही अंक होंगे भाई उसके बाद का टॉपिक है कि वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा अगर भाई मान लो हमारे पास कोई संख्या लिखी हो जैसे भाई लिखा है एक हजार चौबीस अब अगर भाई कह दे कि हम इसको वर्गमूल निकालिए और हमें बताइए कि भाई इकाई का अंक क्या होगा तो भाई दो तरीके हैं भाई या तो आप इसका वर्गमूल निकालो और फिर भाई चेक कर लो कि इकाई का अंक क्या होगा और या तो भाई आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप भाई ऐसे ही जान जाओगे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा अब भाई इकाई का अंक पढ़ने के लिए सबसे पहले हम यह वाली टेबल खोल लेंगे भाई यहाँ एक से दस तक की संख्याएं लिखी हुई हैं और सबके वर्ग लिखे हुए हैं अब भाई एक का वर्ग एक दो का चार तीन का नौ इस प्रकार से अब हमें यहां उल्टा भाई ध्यान देना है अगर कोई संख्या में एक है भाई अंतिम अंक एक है तो उसके वर्गमूल में क्या है भाई एक होगा लेकिन भाई अगर अंतिम अंक एक है तो वर्गमूल में नौ भी हो सकता है क्योंकि भाई नौ नाम एक क्या सी यहां पर भी एक है तो भाई अगर अंतिम अंक एक है तो वर्गमूल में या तो एक हो सकता है या नौ हो सकता है भाई केवल दो ही ऑप्शन है इसी प्रकार अगर अंतिम अंक चार है अगर अंतिम अंक हमारा चार है तो भाई वर्गमूल में या तो दो हो सकता है या तो हो सकता है आठ क्योंकि भाई आठों में अंतिम अंक चार होता है तो भाई दो ऑप्शन हो गए दो और आठ इसी प्रकार अगर अंतिम अंक नौ है भाई मान लो अंतिम अंक नौ है तो भाई यहां पर भी दो ऑप्शन है या तो तीन होगा और या होगा सात तो भाई यहाँ तीन हो सकता है और सात हो सकता है अगर भाई अंतिम अंक छ हो इस प्रकार से जैसे यहाँ छे है और भाई यहाँ छह है तो भाई अगर अंतिम अंक छ हुआ तो भाई दो ऑप्शन है या तो चार होगा भाई या तो होगा और भाई अगर अंतिम अंक पांच है तो भाई वहां तो फिक्स है पांच का भाई पांच ही होता है अगर अंतिम अंक पांच है तो वर्गमूल में भी अंतिम अंक पांच होगा और भाई यहां पर भी अगर शून्य है तो शून्य होगा तो आप भाई इस टेबल को याद कर सकते हो और यहां से आप भाई फटाक से पहचान जाओगे कि किसी के वर्गमूल में इकाई का अंक कौन सा होगा अब भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां आप भाई अगर कोई संख्या लिखी हो और हमें उसका वर्गमूल ज्ञात करना हो तो भाई हमारे पास दो विधियां होती हैं एक तो होती है गुणखंड विधि और भाई एक होती है भाग विधि आप भाई इन दोनों विधियों को हम इस वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ेंगे